अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आप सब की दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत अच्छे हैं। पर मैं थोड़ी सी आप लोगों से नाराज़ हूँ। नाराज़ क्यों हूँ? आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, आप लोग उसको इतना प्यार दे रहे हो, पर सब्सक्राइब करे भी नहीं जा रहे हो, सही नहीं है। तो इसीलिए यार थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो। आपके एक सब्सक्राइब से ना पता है हमें मोटिवेशन मिलती है, और स्पेशली जो न्यू व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं ना, उनको और कुछ नहीं चाहिए होता है आपका, बस थोड़ा सा व्यूज और थोड़ा सा आपका सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किए बिना जाइएगा नहीं। तो आज हाजिर हूँ न्यू वीडियो के साथ। आपने पुरानी वीडियोज़ को काफ़ी प्यार दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज न्यू वीडियो कुछ खास होने वाला है, स्पेशली फॉर द गर्ल्स हु हैव अ लॉट ऑफ स्प्लिट हेंड्स। तो ना मैं आपको इस मशीन के बारे में थोड़ा कुछ बताते चलूँ। तो ये मशीन मैंने एक साल पहले ख़रीदा था। ये ना स्प्लिट एंड ट्रिमर है, कॉर्डलेस स्प्लिट एंड ट्रिमर। ये इतना अच्छा है, मैं आज कर रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ हर बात शेयर करती हूँ, क्यों ना इस प्रोडक्ट के बारे में भी शेयर किया जाए। ये मैं एक साल पहले ख़रीदी थी। बीच में ना मुझे स्प्लिट एंड्स की इतनी शिकायतें हो गई थी, पता नहीं क्यों। मैं पार्लर जाती थी, मैं स्प्लिट एंड्स ट्रिम करवाती थी, पर मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था। पार्लर में वो लोग क्या करते हैं आपको बताती हूँ। कुछ आपका इस तरह से बाल लेंगे, उसको कोम करते हैं, बस इतना सा रोल करके वो बस ट्रिम करते जाते हैं, पर अंदर थोड़े बहुत स्प्लिट एंड्स रह जाते हैं। तो अगर उसको अगर हमें पूरे अच्छे से मुकम्मल तरीके से ख़त्म करना है ना, तो ये मशीन सबसे बेस्ट है आप लोगों के लिए। तो ये मशीन काम कैसे करती है, आइए चलिए देखते हैं। अच्छा, तो स्प्लिट एंड की शिकायत ना हर किसी को होती है, ये कोई सा बड़ा इशू नहीं है, ये होना नॉर्मल है। अगर ये होता है, अगर आप इसको सही टाइम में ट्रिम करवा लोगे ना, तो आपका हेयर ग्रोथ भी अच्छा होगा और आपका हेयर क्वालिटी भी अच्छा होगा। तो जी, ये है हमारा स्प्लिट एंड ट्रिमर का बॉक्स, चलिए ओपन करते हैं, इसमें क्या कुछ है देखते हैं। तो ओपन करते हुए आपको मिल जाएगा ये बैग, जो कि बहुत प्यारा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ओपन करके देखते हैं अंदर क्या कुछ मिलेगा। तो हमें एक सेक्शन मिलेगा, सेक्शन के अंदर सबसे पहले निकला है कोम, ठीक है, इसके साथ और भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, बताती हूँ मैं आपको। तो इसमें निकला है ब्रश, ये शायद ब्रश दिख रहा है आपको, ये शायद ब्रश है ना मशीन क्लीन करने के लिए है। और कुछ हेयर क्लिप्स दिए हैं, दो हैं, ठीक है। ये चार्जर है, आपको इसे चार्ज करना है, ये चार्जिंग से चलता है ना, ठीक है। इसके साथ ये मैनुअल है, इसमें आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। और ये है 1/4 ट्रिम करने का, ये क्या चीज़ है मैं आपको अभी बताती हूँ। उससे पहले हमें मशीन देखना होगा, मशीन कैसा है। तो आप देख रहे हैं ये है मशीन। अच्छा जी, तो ये है मशीन, दिखने में भी काफ़ी है और एकदम लाइट वेट है, ऐसा नहीं कि बहुत भारी है, नहीं, ये बिल्कुल लाइट वेट है। तो देखते हैं मशीन में क्या कुछ है। मशीन में आपको कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ पे आपको ना बालों को रखना है, मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे आपके बाल जो ट्रिम होके आएंगे ना, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, तो आप इसको ईजिली क्लीन कर सकते हो। इसमें आपको मिलेगा ब्लेड, देखिए ये ब्लेड है, इससे आपके हेयर ट्रिम हो जाएंगे, ठीक है। और इधर है स्विच, डिजिटल स्विच है ये, अपवर्ड पोर्शन और डाउनवर्ड पोर्शन में होता है। और ये होता है, इसको अगर आप प्रेस करोगे ना तो मशीन चलेगी, कैसे बताती हूँ। अब हम डाल देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे, ट्रिम कैसे करना है हमें ये देखना है। उससे पहले आपको ये बता दूँ कि जो दिया है ना ये 1/8, देखिए आपको दिख रहा है, ये है ट्रिम, ट्रिम 1/8 लिखा है। 1/8 ना बहुत छोटे कट होते हैं, अगर आपके छोटे छोटे स्प्लिट एंड्स हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हो। इफ़ नॉट, अगर आपके थोड़े से लंबे साइज़ के स्प्लिट एंड्स हैं तो आप 1/4 यूज़ करना। मैं भी 1/4 ही यूज़ करूँगी, आपको वीडियो में बताती हूँ। चेंज करना बहुत आसान है, सबसे पहले आपको ये लेना है, बस इस तरह से आपको निकाल के ले लेना है, बहुत ईजिली निकल जाता है, और आपको इसको अटैच कर देना है, सिंपल। अच्छा जी, तो आप शुरू करते हैं मशीन कैसे यूज़ करना है, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये वर्थ इट है आपको लेना या नहीं। मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट थिंग है यू कैन स्पेंड ऑन, क्योंकि अगर आप पार्लर में जाओगे, मैं यूएई का रेट बता रही हूँ, दे टेक 30 दिरहम्स, और वो कैसे करते हैं आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दे टेक वेरी टाइनी हेयर्स, और वो इसको रोल करते हैं, कुछ इस तरह से रोल करते हैं ऊपर के तरफ ऐसे करके, वो जस्ट कट करते जाते हैं, पर कुछ स्प्लिट एंड्स ना रह जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर वैसे करना सही है, आप हर बार जाओगे 30 दिरहम्स, क्यों ना आप एक टाइम इन्वेस्टमेंट कर लो। ये कुछ 100 दिरहम्स का आता है, इंडियन रेट मुझे पता नहीं है, लेकिन ये चलिए मैंने यहाँ पे दो सेक्शन कर लिया, ठीक है, हेयर्स को, और मैंने बाकी के हेयर्स ऊपर
तो आप ऊपर रख लिया ताकि आपको पूरा क्लियर पता चले कि ये मशीन कैसे काम करती है। तो मैं इस साइड के स्प्लिट एंड स्ट्रिम नहीं करूँगी, इस साइड के आपके सामने करके बताऊँगी। तो अच्छा, स्प्लिट स्ट्रिम करने से पहले ना आपको क्या करना है, सबसे थोड़ा थोड़ा बाल लेना है, थोड़ा लेना है, काफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको पीछे कर लें। अब आपको लेना है ऐसे, करना ऐसे है कि ये जो है ना, ये वाला पार्ट में आपको इस बाल को रखना है। आप चाहे तो नीचे से भी कर सकते हैं, पर मैं ऊपर से ही करूँगी। अब आपको ये वाला बटन दबाना है, वाला दिस इज मैजिक गाइस, आप यकीन नहीं मानोगे। आप जब यूज़ करोगे ना, आप मुझे थैंक यू कहोगे, इतना पता है। मेरे हेयर्स काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं, तो मैंने थोड़ा सा स्लोली करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा हेयर्स ना लें। हेयर ट्रिम किया था ना, आपको प्रूफ बताती हूँ कि ये कितना अच्छे से ट्रिम करता है, और ये ज़्यादा हेयर लेंथ को कम भी नहीं करता है, आपके हेयर लेंथ को मतलब कुछ अफेक्ट ही नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें हेयर से थोड़े से, मैं आपको इस ब्रश की मदद से तो देख रहे हैं आप, ये सारे जो है ना स्प्लिट एंड से मैंने अभी हाल फिलहाल ही ये यूज़ किया था, तो इसके लिए मेरा स्प्लिट एंड अभी ज़्यादा नहीं निकले हैं, लेकिन अगर आपके ज़्यादा हैं तो आप देख सकते हैं इतना सारा कुछ। आप इस मशीन से अगर करेंगे ना, आपके सारे स्प्लिट एंड निकल जाने वाले हैं। दिख रहा है आपको, यहाँ पर ऑलरेडी एक स्प्लिट एंड निकल चुका है हमारा, ये वाला। यस, ये मशीन बहुत अच्छे से काम करती है, और ये जो ब्लेड है ना, आप देख सकते हो कितना शार्प है, बहुत नीटली ये काम करता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये मशीन ख़रीदना बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। अगर आप ये ले लेंगे ना, यकीन माने आपको पार्लर बार बार जाने का नौबत ही नहीं आएगी। होप करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।